इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि अज़मत बैन से गुस्सा हो जाता है और वो उसे वार्निंग भी देने आता है, लेकिन बैन उसकी वार्निंग को इग्नोर कर देता है, जिससे उसे बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। पूरा एपिसोड आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बाद में आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा ही टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्लैनेट दिखाया जाता है जिस पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मची होती है, और विलगैक्स उस प्लैनेट के सभी सुपर हीरोज़ को मार रहा होता है। उसके बाद में विलगैक्स कहता है कि अपने दोस्त को बुलाओ, और तभी वहाँ पे अल्टीमो आ जाता है। अल्टीमो इस दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन विलगैक्स इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है कि उसके ऊपर अल्टीमो के किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा होता, और विलगैक्स अल्टीमो को बहुत ही आसानी से हरा देता है। विलगैक्स अल्टीमो के ऊपर अपने लाल कलर के स्टोन की लेज़र मारता है, और वो कहता है मानना पड़ेगा अल्टीमो, इस लाल कलर के स्टोन की जो एनर्जी है उसे झेलना सबके बस की बात नहीं है। विलगैक्स अल्टीमो को हरा देता है। उसके बाद में जो उसका नौकर होता है, वो अल्टीमो की सारी पावर विलगैक्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और जो विलगैक्स होता है वो 10 दुनिया का मालिक बन जाता है। विलगैक्स ने सभी 10 दुनिया में जाके वहाँ के जो सबसे पावरफुल सुपर हीरोज थे उन सभी को हरा के उनकी जो पावर थी वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली थी। अब तुम समझ सकते हो भाई विलगैक्स कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं ग्वेन और कैविन को, जो कि सरपेट से फाइट कर रहे होते हैं। ग्वेन अपनी पावर से फाइट कर रही होती है, और जो कैविन होता है वो लोहे को अब्सॉर्ब करके उसे मार रहा होता है, लेकिन जो सरपेट होता है वो इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद में कैविन पूछता है कि बैन कहाँ है। ग्वेन कहते हैं कि एक घंटे पहले मैंने उसे फ़ोन किया था और वो आने ही वाला था, लेकिन जो बैन होता है वो मस्त अपना बेड पे लेट के स्मूदी पी रहा होता है और सुमो स्लैमर की मूवी आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी सामने से एक एलियन आ जाता है, और बैन उसे देख के थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो एलियन बताता है कि आपने पूरे यूनिवर्स को हाइब्रिड के हमलों से बचाया है, इसी वजह से हमारे प्लेनेट के जो लोग हैं वो आपको एक मेडल देना चाहते हैं। बैन को उससे इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो उस मेडल को भी एक जगह पे फेंक देता है। उसके पास पूरा कमरा भर के मेडल और ट्रॉफीज पड़ी होती है। उसके बाद बैन के पास ग्वेन का फोन आता है, और ग्वेन पूछते तुम क्या कर रहे हो। बैन कहता है मैं तो सुमो स्लैमर की मूवी आने का वेट कर रहा था। ग्वेन कहते तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें मिशन पे आना था, और मैंने एक घंटे पहले भी तुम्हारे पास फोन किया था, और अगर टीवी देखने से फुर्सत मिल गई हो तो ज़रा हीरो बन के थोड़ी तकलीफ करो और यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद बैन जैटरी बन के वहाँ पे चला जाता है, और वहाँ पे जाके वो देखता है कि जो सरपेट होता है वो कैविन को बहुत गंदा पीट रहा होता है। बैन वहाँ पे जाते साथ कैनन बोल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद में वहाँ पे जो सरपेट होता है उसे बहुत गंदा कुचल देता है। पहले इधर से कुचलता है, फिर उधर से कुचलता है, बिल्कुल भाई कचुम्बड़ बना देता है उसका। उसके बाद में बैन यहाँ पे वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो कहता है तो 2 मिनट में निपट गया। ग्वेन कहती है हम पिछले 1 घंटे से इससे लड़ रहे हैं। ग्वेन कहती है हम इतने टाइम से यहाँ पे लड़ रहे थे और तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। बैन कहता है मैंने तुम्हारे लिए इसे यहाँ पे आके मार तो दिया। उसके बाद में बैन बताता है कि मेरे को एक और मेडल मिला। ग्वेन कहते तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग ग्रैंडपा मैक्स को देखते हैं, जो कि कुछ नए प्लमर्स को ट्रेनिंग देने जा रहे होते हैं। तभी उनके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि अर्थ के ऊपर कोई हमला करने वाला है। वो कहते हैं अब ये कोई ट्रेनिंग नहीं रही और अब डायरेक्ट तुम्हें वॉर में जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो विलगैक्स का नौकर होता है वो एक मशीन के अंदर कुछ सेट कर रहा होता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, उसके बाद में उसके ऊपर फायर भी कर देती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो बस एक ग्रेनेड सा फेंक के मारते हैं उनके ऊपर, और इनके 2 मिनट में धज्जिया उड़ जाती है। उसके बाद में वो कहता है कि अब मुझे दोबारा से डिस्टर्ब मत करना, और वो जो मशीन सी होती है वो आसमान में जाके एक शील्ड बना देती है। उसके बाद में वो बताता है कि तुम्हारी दुनिया का जो सबसे पावरफुल सुपर हीरो होगा वो हमारे लॉर्ड विलगैक्स से फाइट करेगा, और यूनिवर्स के रूल के हिसाब से जो जीतेगा वो इस दुनिया का मालिक बनेगा। उसी वक्त वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं अपनी प्लमर टीम को लेके उसे रोकने के लिए, लेकिन जो कूपर होता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो भाग के अपना सूट पहन लेता है और विलगैक्स के ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है। विलगैक्स बड़ी आसानी से मिसाइल को तोड़ देता है और अपनी लेज़र से उसका जो सूट होता है उसे तबाह कर देता है। यहाँ पे जो हेलन होती है वो उसे बचा लेती है, और वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि कहीं मत जाना। उसके बाद में जो विलगैक्स होता है वो कहता है बहुत तेज़ स्पीड है तुम्हारी, लेकिन इसका मुकाबला कर पाओगी क्या, और विलगैक्स अपनी लेज़र से उसे भी यहाँ पे मार देता है। इतने में जो मैनी होता है वो भी विलगैक्स को मारने आता है, लेकिन जो विलगैक्स होता है उसे एक ही हाथ से पकड़ लेता है बिल्कुल बच्चों की तरह। उसके बाद में उसे दूर पेड़ के ऊपर फेंक के मार देता है। उसके बाद में एलन आता है और अपनी आग से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन विलगैक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, और विलगैक्स अपनी फूंक से उसे पूरे को बुझा देता है और दूर उड़ा देता है। इतने में जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं वो इसके ऊपर फायर करते हैं, लेकिन विलगैक्स उन्हें भी मार देता है। और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो कहती है बैन मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ। बैन कहते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रह पाओगी, मैं हूँ इतना क्यूट। उसके बाद में ग्वेन उसके ऊपर मिस्टर स्मूदी डाल देती है, और बैन भी ग्वेन के ऊपर डालने ही वाला होता है, तभी ऑमनेटिक्स के अंदर एक मैसेज आता है जो कि कॉल होती है ग्रैंडपा मैक्स की। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि जो विलगैक्स है वो वापस आ चुका है, और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, और उसने तुम्हें इस बार चुनौती दी है। बैन कहते हैं लेकिन कैसी चुनौती। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं इस यूनिवर्स के रूल के हिसाब से एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए उस प्लैनेट के
लोग अपने सबसे पावरफुल सुपर हीरो को चुनते हैं। उसके बाद में दोनों के बीच में फाइट होती है और जो भी फाइट में जीतता है वो दुनिया का मालिक बन जाता है। ग्वेन कहती है विलगैक्स को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। बैन कहता है मैंने उसे बचपन में भी हराया था और मैं उसे अभी भी हरा सकता हूँ। ग्वेन कहती है लेकिन वो बचपन में इतना ज़्यादा पावरफुल था और अब उसके पास 10 दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज़ की सुपर पावर्स है और अब तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया होगा। बैन कहता है तुम चिंता मत करो मैं उसे आराम से हरा दूंगा। उसके बाद कैविन उन्हें अपने गैराज पर लेके आता है और वहाँ पर एक मशीन होती है। बैन पूछता है ये क्या है। कैविन कहता है हम तुम्हारी ऑमनेटिक्स को हैक करने वाले हैं। ग्वेन कहती है ये तुम गलत कर रहे हो। बैन कहता है अगर हमने ऑमनेटिक्स को हैक कर लिया तो मास्टर कंट्रोल खुल जाएगा और फिर मैं अपनी मर्जी से कोई सा भी एलियन चूज कर सकता हूं और फिर विलगैक्स को हराने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे वो ऑमनेटिक्स के अंदर से कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं ऑमनेटिक्स के अंदर से अजमत का होलोग्राम आ जाता है। बैन कहता है अजमत। अजमत कहता है हाँ वही अजमत जिसने ऑमनेटिक्स को बनाया था। बैन कहता है मैंने आपको कभी थैंक्स नहीं किया इसलिए आप आए हैं ना, चलो अभी थैंक्स बोल देता हूँ। उसके बाद में अजमत कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। उधर पीछे से कैविन कहता है कि हाँ इस बात से मैं भी सहमत। अजमत कहता है कि तुमने ऑमनेटिक्स से काफी अच्छे खासे काम किए थे, इस वजह से मैंने तुम्हें यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हथियार रखने दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम इसके काबिल ही नहीं हो। बैन कहता है लेकिन मैंने पूरे यूनिवर्स को बचाया है। अजमत कहता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुमने क्या क्या किया है, लेकिन वहां पर कामयाबी मिलने के बाद में तुम हीरो वाली लाइन से भटक रहे हो और गलत लाइन पर जा रहे हो और तुम्हें अभी ऑमनेटिक्स की पूरी पावर नहीं दी जा सकती क्योंकि तुम अभी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो और तुम उसके पूरी तरीके से काबिल नहीं हो। उसके बाद में अजमत कहता है कि अपनी प्रॉब्लम तुम्हें खुद ही सुलझानी पड़ेगी। कैविन कहता है तुमने इस बार अजमत को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। बैन कहता है उसने खुद ही तो कहा कि अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, इसी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। उसके बाद में कैविन उसे मना करता है। बैन कहता है छोटे सी की बात से डर गए। कैविन कहता है हाँ डर गया। उसके बाद में ग्वेन कहती है कि उसका कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। उसके बाद में जो बैन होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और वो मशीन को अपने आप ही स्टार्ट कर देता है। जैसे वो मशीन को स्टार्ट करता है ऑमनेटिक्स के अंदर ओवरलोड हो जाता है। कैविन उसे छुड़ाने के लिए जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट के बाद में बैन और कैविन को काफी ज्यादा पछताना पड़ता है। अगर आपको देखना है कि इसके बाद में क्या हुआ था तो इसका एपिसोड 2 मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोगों को मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगा तो जाके देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूं उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।